हाँ तो मेरा डन हो चुका है, किसको करवाऊंगा मैं ड्राई क्लीन, और ये ही पहन के जाऊंगा जिस दिन हमने जाना होगा एयरपोर्ट। तो हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रोमी। यार भी तो आज का कुछ ऐसा सीन है कि आज हम करने वाले हैं अपनी पैकिंग, थोड़ी बहुत पैकिंग करूंगा जो न्यू कपड़े लाए, क्योंकि यहाँ पड़े पड़े ना ये खराब हो जाने, तो मैंने सोचा कि इनको जो ना हम अपने बैग में जो ट्रैवल बैग हम लाए थे वो पड़े हुए वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पड़े पड़े ना ये खराब हो जाने कपड़े, मुझे पता है। तो इस वजह से मैंने कुछ, ये मेरी दो तीन नई पैंटें थी वो यहाँ से ना और निकालनी, क्योंकि वही पड़ी है, मैं यूज़ नहीं की। मैं बोला चलो वहाँ जाके यूज़ कर लूँ, क्योंकि बहुत अच्छी पैंट है ये वाली, देखना न्यू स्टाइल में आई थी, तो ये मैंने बहुत अच्छी रखी हुई है, अभी तक ऐसी पड़ी हुई। मैं बोला चलो यार वहीं जाके पहनूंगे, तो अभी सबसे पहले इसको उतारते नीचे। ओए एक हाथ से कैसे वीडियो बनाऊं, क्यों पौमी गई है ऊपर अपनी बाजी के घर पे, तो इसलिए फाइनली हमने बड़े तरीके से इसको जो ना नीचे उतार लिया है, और अभी इसमें से हम निकालेंगे अपना सुजुकी बोलने लगा था, संदूक आ जा बाहर, तेरा हमें इंतजार है, तू कहाँ छुपा हुआ। अरे यार यहाँ से तो ये वो है, उल्टी साइड हमने खोल ली। क्या इसको हम वापस बंद करते हैं इसी तरह से। मेरे को भी पता चला कि मिट्टी लग गई थी, ये देखो सारे बालों पे लगी थी, तो इसको हटा गया। और मेरा जो ना ये वाला ट्रैवलिंग बैग है, तो देखो कितना प्यारा ना, क्योंकि मैं अपना थोड़ा बड़ा लिया था कि इसके अंदर जो ना जैसे पूमी के शूज़ वगैरह रख लेंगे, क्योंकि इसके कपड़े मेरे से ज़्यादा ही होंगे, मुझे पता है ना। इसने दिन में ना तीन बार ही चेंज करने, मैं एक बार ही दो बार ही करूँगा, इसने तीन बार ही करने ऐसा है। तो आप लोग बताना सही कर रहा हूँ ना अभी से पैकिंग स्टार्ट करना, क्योंकि न्यू कपड़े ला रहा हूँ तो यार इधर उधर पड़े ना वो खराब हो जाएंगे, तो मैं चाह रहा हूँ न्यू सीधा इधर ही जाए। अगर बाहर पड़े नज़र भी आ जाते ना, तो मैंने क्या किया, तीन चार टी शर्टें ली थी अपने लिए ना, तो वो क्या किया मैंने पहन ली, क्योंकि यही होता है फिर ज़ाहिर सी बात है यूज़ में आ जाती है, अगर यूज़ वाले कपड़ों में पड़ी हो तो इसके अंदर जब चले आएंगे ना, ना ये खुलेगा और ना ये पहने जाएंगे, साफ सीधी बात। इसका एक नन्ना काका बच्चा भी दिखाता हूँ तुम्हारे को, ये देखना, आ जा बेटा तेरा टाइम पूरा हो गया। और ये देखो ये पोमी के जितने इसका सुजुक लिया मैंने छोटा सा, क्योंकि जैसी वो छोटी सी वैसे सुजुक लिया इसको मैंने, सॉरी संदूक होता है और मैं सुजुक बोलता जा रहा हूँ, मेरे भी काम देखो संदूक। और ये वाला इसका है और वो वाला मेरा है, क्योंकि इसके कुछ शूज़ वगैरह भी और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ होगी, जैसे वहाँ से भी आते हैं तो मेरे उसमें जो ना बड़े वाले बैग में आ जाएगी, इस वाले में तो छोटा है, इसके तो खाली अपने ही आ जाएंगे, लेकिन ये चुड़ाई में ज़्यादा इसमें भी काफ़ी आए जाएंगे। बाकी अभी जो ना अपनी पैकिंग स्टार्ट करते हैं, और थैली उतार के जो ना उसको ड्रेस कर रखूंगा जल्दी से। हाँ तो ऊपर रख के जो ना उसको सारी चीज़ें पैक करेंगे, क्योंकि फिर अगर अभी से स्टार्ट हो गया ना ख़राब होना, तो फिर बाद में भी ख़राब होता रहेगा, तो अभी से जितनी केयर हो सकती उतनी करें, बाद में ख़राब तो होना है तब देखी जाएगी। अच्छा ये वाली साइड है यहाँ की, और ये साइड तो हम रखेंगे इस साइड पर सारी चीज़ें, कोई जिप भी है इसमें, कुछ अंदर पैसे वगैरह भी छुपाना चाहिए। अच्छा ये इसकी खैर हमें वहाँ की तो जरूरत नहीं है, हम इसको कर देते हैं कोने पे। तो ये वाला शॉप पर किस चीज़ का भाई, इसके अंदर क्या आएगा, क्या इसके अंदर, अच्छा ये भी जिप है इसकी, अच्छा डबल पैकिंग है। जैसे ये देखो आप एक नीचे चीज़ें रख लेते हो, तो उसके बाद जो उन्होंने ये कवर दिया हुआ है, ये कवर इसको कवर करके चीज़ों को, तो उसको ऊपर से करके फिर और डबल चीज़ें रख सकते हैं। ये देखो ये नीचे भी स्पेस है इसके, ऐसा खैर होता है हर बैग में होगा मेरे ख्याल से, लेकिन हमने तो फर्स्ट टाइम ये वाला देखा इसमें। लेकिन मैं जो ना सोच रहा हूँ कि मैं कपड़े प्रेस नहीं करूँगा अभी, क्योंकि फिर वो मुचड़ जाते हैं सारे। और एक सलवार कमीज ले रहा हूँ ये वाली चिकन की कपड़े की है मेरी, ये बहुत अच्छी थी, तो उसको ऐसे करके ऐसे, और इसके बाद इसको ऐसे करके ऐसे, उसको करके ऐसे, उसको करके ऐसे, और ये होगी हमारी पैक, क्योंकि मुझे स्पेस काफ़ी चाहिए, तो मैं ज़्यादा इसको चौड़ाई में नहीं करूँगा पैक, ताकि लंबाई में हो और स्पेस भी जो ना थोड़ा चौड़ाई ना हो ज़्यादा। और ये वाली इसकी क्या थी, ये मेरी किसी और की तो नहीं है, हाँ मेरी है, ये देखो ओए इतनी बड़ी शलवार, ओए ओए मैं कितना सारा शलवार कितनी सी है, वाह 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 बीबी। तो पोमी आ चुकी है यहाँ पर, लेकिन वो वीडियो में नहीं आ रही, कुछ काम कर रही है अपना, वो करके फिर आएगी वीडियो में खैर। और मैं सोच रहा हूँ ये कोट ले लूँ, इसको जो ना ड्राई क्लीन करवा के ना मैं पहन लूँगा जिस दिन हमने जाना होगा, मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको पहन लूँ ये वाला, क्योंकि ये एक दफ़ा ही मैं पहना हुआ है और काफ़ी अच्छा है। ये आई एम अ परफेक्ट मैन ये। तो ये वाला पहन के कोट मैं जाऊँगा वहाँ पर, कहाँ पर, दुबई एयरपोर्ट जब जाएंगे ना। ये आपका भाई लग रहा है स्मार्ट,
हाँ तो मेरा डन हो चुका है, किसको करवाऊंगा मैं ड्राई क्लीन, और ये ही पहन के जाऊंगा जिस दिन हमने जाना होगा एयरपोर्ट दुबई ट्रैवल के लिए, तो ये वाला पहनूंगा ठीक है ये, क्योंकि मैं पहना भी बहुत एक दफ़ा ही पहना हुआ है, ड्राई क्लीन भी एक ही दफ़ा होगा अभी तो ये फिलहाल। हाँ बस अच्छा सा ड्राई क्लीन करवा लूँगा इसको। और ये वाली टी शर्ट मैं जो ना पहन ली थी, आपको बता रहा था ना जैसे न्यू टी शर्ट ली थी और पहन भी ली थी, तो उसको वापस हम जो ना इसके अंदर ही रख देते ताकि फिर ना ये है भी एक तो लाइट कलर है, गंदा ना हो जाए, मैं तो ये डर रहा हूँ कि गंदा ना हो, बस इस वजह से इसको पैक कर रहा हूँ। और पोमी आएगी, उसने अपने ड्रेस जो ना लेने हैं टेलर से, उसके बाद पैकिंग करेगी। तो अरे एक काम कर, तो टी शर्ट है उसके ऊपर रख दूँगा, हल्का होता ना, तो दूसरी चीज़ें लेकर आता। रुको आप लोग एक चीज़ बताऊँ, मैं जो ना जिस चीज़ से डर रहा था ना, उस दिन मैंने उसको बोला था कि मेरे ये शूज़ से ना नहीं निकालो क्योंकि इतने अच्छे शूज़ थे, और ये देखो यहाँ पे जो ना हल्की सी मिट्टी लगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट कलर है, और मैं उनको यही समझाता था कि इसको उसके अंदर ही रहने दो बॉक्स के अंदर, ये बहुत अच्छे शूज़ हैं मेरे को बहुत फेवरेट है ये मेरे। तो खैर अभी इसको हम जो ना इसको भी रखेंगे, बस मिट्टी तो नहीं आई, देख लेना अगर आई हो तो मैं वापस इसको निकाल लूँगा, मुझे बता देना। खैर हम जो ना इसको रखेंगे वाइट शॉपर में पैक करके, क्योंकि इसको डब्बे में रखूँगा तो पूरे डब्बे जगह ले जाएगा, तो इसको हम खोल के रखेंगे। और ये वाली एक मेरी पैंट थी, ये भी बहुत प्यारी है, तो ये बताना आप लोग पहनूँ या नहीं, और ये पहनूंगा बहुत डिसेंट सी ड्रेसिंग है ये, इसके ऊपर एक लेनी है मुझे प्लेन शर्ट, और ये शर्ट मैं लेकर आया हूँ वाइट वाली, दिखाता हूँ आप लोग को। खैर ये कितनी होगी मेरे यहाँ से, हाँ ये इसके ऊपर पहनूंगा शर्ट में, बहुत प्यारी लगेगी। साथ मेरे पास जो ना वो एलवी के ये पता नहीं गुची का ब्रांड का वो है बेल्ट, ये है इसके ऊपर ये पहनूंगा। खैर जल्दी से भी पैकिंग कर। हाँ तो मैं ये सोचा है कि जैसे मैंने जो ना पियर बना लिया है कि जो पैंट के ऊपर शर्ट पहनूंगा तो वो पियर पियर करके रखूंगा, जैसे ये शलवार कमीज ये रख ली, ये पियर है, और अभी जो ना मैं शूज़ रखता हूँ इधर, शूज़ और सारे शूज़ जो ना, एक और शूज़ पड़े हैं उसको जो ना पूरा पता क्या करूँगा उसको, उससे साफ़ करना है, क्या उसको बोलते पॉलिश से, तो ये वाले हम यहाँ रख देते शूज़, सही जगह बचेगी हमारे पास। और ये इसकी स्लीपर है ये जो ना, मैं अभी ये भी रख लेता हूँ अपने पास ही इधर ही कहीं, ये तो कहीं भी आ जाएगी नॉर्मल सी, क्योंकि और इसके एक और शूज़ हैं वो बहुत प्यारे थे, आप लोगों ने देखे भी होंगे कल वीडियोज़ में, ये देखो ये देखना इसका सोल बड़ा है, और मुझे ऐसे पसंद है सोल बड़े वाले ना, ये देख यहाँ से, तो ये भी मैं जो ना ऐसे रख लेता हूँ किसी तरीके से इधर, जो हमारे पास आ जाए इधर आ जाएगा, इधर आएंगे देखते हैं, हाँ आ जाएगा ये, ऐसे होगा ना कि जगह हमें जितनी स्पेस मिलती है, क्योंकि अभी चीज़ें बहुत आनी है, कोई ये तो आ नहीं रहा ऐसे, ऐसे रख लेते उसको। और इसके ऊपर टी शर्ट है अभी तो, खैर बहुत पैकिंग है, ये भी रख लिया हमने। अरे शूज़ को कहाँ रखूँ यार, मेरे को समझ नहीं आ रही है, देखो कैसे रखे हुए मैंने, अब आपको दिख रहा है ना, पाऊँ ये पता नहीं कैसे इतनी बड़ी बन गई है, छोटे छोटे से पाऊँ वो भी बड़े बन गए, क्या इसको ऐसे रख देते हैं शूज़ के ऊपर शूज़ हैं सर ये वहाँ से देख के अभी तो ये भी अखबार भी रखना है मुझे, ये सारी चीज़ें मैं जो ना खोल के रखूँगा। ये जंपर लिया था मैं, और ये लिया था मैंने 1200 रुपये का, 1200 या 1300 रुपये का, 1200 रुपये का, हाँ 1250 रुपये बोल रहा था लास्ट, 1300। और ऐसा पोमी का भी लेकर आना है, आज जाना था लेकिन आज जाना ही नहीं हुआ वहाँ पर, आज मैं यही सोचा था कि सबसे पहले इसका अपर लेंगे वहाँ से, सेम ड्रेसिंग करनी है ना। और क्या था, और भी चीज़ें सारे शॉपर से निकाल लिए तुम, बात नहीं हो ना मसला होगा। और ये पैंट थी इसको ऐसे ही रख देता हूँ, इधर ही रख देता हूँ, एक ऐसी इसमें, और क्या था, हाँ और ये ट्रैक सूट है मेरा, इसको रखता हूँ, पूरा ट्रैक सूट है ये मेरा, ये पहनेंगे जब हम जाएंगे वहाँ पे किसी अच्छी जगह पे टूर एक्सपोज करने, खुली चीज़ें सही है यार, शॉपर में ना बहुत ज़्यादा फिर जगह आएगी गिरी हुई, सही है बेबी, तुम्हारे भी पैकिंग कर दूँ बताओ, ये हमारे पास काफ़ी स्पेस है। और कुछ कपड़े जो ना मैंने वॉश किए हुए हैं जो न्यू थे ना, उन्होंने वॉश कर दी, जबकि मैं पहने ही नहीं है, मैं एक दफ़ा नहीं पहने, इनको ये लगा शायद पहने, इन्होंने वॉश कर दिए, तीन चार टी शर्टें थी और एक दो तो मिल ही नहीं रही, मैं वो सोच रहा हूँ यार वो वाली कहाँ गई टी शर्टें, क्योंकि मैं सारे कपड़े खोल के वही देख रहा था, कह रहा हमारे न्यू कपड़े तो उसमें आ गए, और जो न्यू लाएंगे वो भी इसमें डालेंगे और शूज़ भी, और मेरे अभी लेने दो शूज़ लेने खाली, ज़्यादा नहीं हो सकता है किलो, और अगर पोमी की चप्पलें डालनी होगी ना वो इसमें डालूंगा, पता क्यों,
इसकी जितनी मैंने इसको न्यू चप्पल ले दी सर, ये एक बच्ची भी बकाया सारी यूज़ हो गई है, तो उसके नीचे मिट्टी लगी होगी, तो मैं सोचा वो डालेंगे इस चप्पल के अंदर ताकि मिट्टी ना लगे दूसरे कपड़ों को। तो बाकी इसकी पैकिंग होनी है, ये पता नहीं कब करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे से ना न्यू कपड़े यूज़ हो रहे थे और मैं नहीं था चाह रहा, मैं चाहता वहाँ जाए तो फिर ही हम जो ना न्यू कपड़े पहने। आप लोग क्या बोलते, सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो बस ये कि अभी रुक जाओ मिलते ज़रा इसको क्लियर कर ले। खैर ये वाले शूज़ है दो, इनको जो ना मैं जो ना पॉलिश करूँगा सही से और इनको डालूंगा बैग के अंदर ताकि ये मेरे दूसरे काम आ जाए, और ये वाले मैं पहनूंगा पैंट कोट के नीचे उस दिन, ऐसा सीन है। तो पूरा मैंने प्लान सोच लिया है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, और पोमी पता नहीं अपना प्लान सोच के बैठी हुई नहीं, ये नहीं भी सोचेगी तो उसको मैं बताऊंगा प्लान क्या करना है क्या नहीं, ये बेहतर रहता है। और अभी ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि यार वो कुछ चीज़ें जो होती ना मेरी वो सूखने वाली है, तो वो सूखने के बाद ही डालूंगा, तो अगर वक्त तक इंतज़ार करता रहूंगा तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो मैं अभी पहले इसको पैक करके रख देता हूँ। और आधी पैकिंग मेरी हो गई है और पोमी की पूरी पैकिंग रह गई है, और अभी देखते हैं कब तक पूरी हो जाएगी, लेकिन बहुत जल्द हम निकलने वाले हैं, वो दिन नहीं बताएंगे एकदम से, आप लोगों के लिए सरप्राइज है, क्योंकि आप लोग भी जो ना एक्साइटेड होंगे एकदम से कि जब हम जाएंगे। और एक सरप्राइज है पोमी के लिए दुबई में, बहुत ही बस अमेजिंग सरप्राइज होगा वो इसके लिए मेरे हिसाब से, जो कि इसने सोचा हुआ है, तो खैर पता नहीं इसके दिमाग में वो चीज़ है या नहीं, लेकिन मैं इसके लिए करनी है, बहुत अच्छा सरप्राइज़ है। और आई होप कि आप लोग जो ना खुश होंगे और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और ये सब जो ना आप लोग के सपोर्ट की बदौलत हम लोग को मिल रहा है, जो कि आप लोग का इतना प्यार इतना सपोर्ट है, जो कि हम आज जा रहे हैं हनीमून पे टूर पे कहीं भी जा रहे हैं, तो वो सब आप लोग की बदौलत होता है। तो आप लोग अपना जो ना खूब सारा प्यार दिखाया करो, ताकि हम हर जगह जहाँ भी जाएँ आप लोग को हमेशा एक होता ना कि चीज़ें एक्सपोज कराने वाले बने। तो मेरे को बहुत शौक है हम लोग जो ना एक टूरिस्ट बन जाएं और जगह जगह घूमें, शहर शहर घूमें, और आप लोगों को सारी चीज़ें घर बैठे दिखाएं। बस ये कि आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था, उम्मीद कर तो बहुत पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन के पास आए और हमारे व्लॉग देख सकें। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तब तक मिलते हैं कल।